शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा, श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा, श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा, श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा, श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा, श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। महानुभाव, तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदगुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी पर यह ग्रंथ लिखा गया। सूत्रात्मक इसकी शैली है, भाषा इसकी संस्कृत है। 10 अध्याय में यह विभाजित है और इसमें 7 तत्वों का बहुत सुंदर तरीके से आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और जिसमें 5 भावों के बारे में समझ रहे थे। इन 5 भावों के बारे में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी और आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदी, सुरसागर सूरी और धवला में भी ग्रंथ में, धवल जय धवल ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से 5 भावों का वर्णन है। हमारे आचार्य निमिचंद स्वामी द्वारा जो लब्धि सार और छपना सार जो ग्रंथ है उसमें भी यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन है, बृहद रूप से वर्णन है कि 5 लब्धि पूर्वक कैसे कसाई की छपना की जाती है, कैसे मिथ्यात् का छपना होता है और कैसे उनका प्रगतियों का उपशम और क्षयोपशम आदि होता है। आपको एक बार जरूर वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हम सभी लोग दूसरे अध्याय का जो 3रा नंबर सूत्र था सम्यक्त्व चारित्र्य, उसमें से जो औपशमिक सम्यक्त के 2 भेद थे, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र्य, उसमें हमने औपशमिक सम्यक्त के बारे में कल आपको बता दिया था। आज औपशमिक चारित्र्य के बारे में जो मोहिनी कर्म हैं, 21 प्रगतियां हैं, उन 21 प्रगतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है, क्योंकि जो श्रेणी चलने वाला जो जीव है उसने अपना सम्यक दर्शन द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन किया, ठीक है ना, वहाँ पर पुनः एक बार अनंतानुबंधी और मिथ्यात् का उपशम करके उसने उपशम करके द्वितीय उपशम सम्यक प्राप्त किया। लेकिन जो 21 प्रगतियाँ रह गई थीं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन और 9 कषाय, ये 21 प्रगतियाँ हैं। क्षयोपशम
चारित्र वाला जो जीव था वो आगे चढ़ नहीं सकता है। वो छोसम चारित्र वाले जीव ने 21 प्रगतियों का क्या किया, दबाया। 21 प्रगतियों को दबाती हुआ, एक एक साथ पूरी नहीं दबती है वो, तो क्रम से 8वां 9वां 10वें में जाकर के, और लोभ जो है लास्ट में जाकर के दब जाता है। इस प्रकार से वह औपशमिक चारित्र को प्रकट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहिनी कर्म में जो चारित्र मोहिनी कर्म है उसके 25 भेद होते हैं, अनंतावंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषायें, ये 25 कषायें हैं। अनंतानुबंधी तो का उपशम तो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन को प्रकट हो गया। अब जो श्रेणी में चल रहे हैं जीव हैं उनको अब जो शेष कषाय बची हुई हैं उसका भी उपशम करना है, क्योंकि उपशम श्रेणी चल रहे हैं ना, तो वह क्या होगा, औपशमिक चारित्र प्रकट करना है। तो इन कषायों को क्रम क्रम से करना, 21 प्रगति हैं, एक साथ तो नहीं होती लेकिन शक्ति तो एक साथ प्रकट होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे गुणस्थान में आते वहाँ पर वो प्रगतियों का क्या हो जाता है, उपशम होते जाते, दबाते 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 आगे आगे बढ़ते जाते हैं। 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म लोभ बचता है उसको भी दबा करके वह 11वें गुणस्थान में चले जाते हैं, ठीक है ना, कौन, उपशम चारित्र वाले, तो इसी को बोलते हैं औपशमिक चारित्र, ठीक है। लेकिन ये अंतर मुहूर्त बाद पुनः उदय में लोभ कषाय आती है, वो नीचे आकर के आ जाते हैं, कहाँ तक नीचे आते हैं ये अलग विषय है, क्रम क्रम से आकर के आ सकते हैं। औपशमिक चारित्र वाला जो जीव है वह नीचे आकर के पुनः चढ़ जाए उसी भाव में 2 बार या पूरे जीवन काल में 4 बार, तो वह उसके बाद वो नियम से छपक श्रेणी चढ़ करके वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने जो तीसरा नंबर का जो सूत्र था, औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, इसकी अपन ने दोनों की अच्छी तरह से परिभाषा पढ़ ली, जान ली। अब अपन जो दूसरा सूत्र था जिसमें भेद बताए थे, औपशमिक के 2 भेद और छायिक के 9 भेद, छायिक के कितने भेद आए थे, 9 भेद, तो आइए अब अपन जो सूत्र है छायिक संबंधी 9 भेद कौन कौन से होते हैं उसका सूत्र का उच्चारण करते हैं। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे और उस सूत्र का अपन सब उच्चारण करेंगे। तो हम सब लोग उच्चारण करते हैं सूत्र को, सूत्र नंबर 4 दूसरे अध्याय का, ज्ञान दर्शन, दान, लाभ, भोग भोग, वीर्याणी च। एक बार पुनः, ज्ञान दर्शन, दान लाभ, भोगो भोग, वीर्याणी च। इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण है। आइए हम सब लोग बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र को पुनः एक बार देखते हैं और इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। यह सूत्र अपना है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, तीसरा नंबर, ये 4वां नंबर का सूत्र है दूसरे अध्याय का, ठीक है ना। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग, पातक लाइए, भोगोपभोग, वीर्याणी च, वीर दीर्घ है, वीर्याणी च। इस प्रकार से ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणी च, ये सूत्र का उच्चारण है। संधि विच्छेद करते हैं, ज्ञान प्लस दर्शन प्लस दान प्लस लाभ प्लस भोग प्लस उपभोग प्लस वीर्याणी च, इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हुआ, ठीक है ना। पहला ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा दान, चौथा लाभ, पांचवा भोग और 6वां उपभोग, 7वां वीर, कितने हो गए, 7। और आपने तो बताया था कि 9 भेद होते हैं छायिक भाव के, 2 भाव कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, लापता हो गए क्या, नहीं नहीं ये चा पड़ा ना अपने, चा, ये जो चा शब्द है, चा की अपन आगे अनुवृत्ति देखते हैं, वो पीछे क्या सूत्र चल रहा था, पीछे सूत्र में सम्यक तो चारित्र था ना, तो यहाँ भी सम्यक और चारित्र इसमें चा शब्द से जोड़ लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। सूत्र जो होते हैं बहुत संक्षेप
संक्षेपीकरण को लिए हुए होते हैं। आचार्य भगवान सोचते हैं कि कितने अक्षर बच जाएं, कितना छोटा सूत्र बन जाए और सारी बात समाविष्ट हो जाए। तो आचार्य उन्होंने चा लगा दिया, तो इसलिए वहां पर दोनों इसमें और ले लेंगे। तो क्या होगा, अब इन सब के आगे छाएक लगा दीजिए। छाएक ज्ञान, छाएक दर्शन, छाएक दान, छाएक लाभ, छाएक भोग, छाएक उपभोग, छाएक वीर और छाएक सम्यक्त्व और छाएक चारित्र। इस प्रकार से यहाँ पर छायिक जो भाव हैं उसके 9 भेद इस सूत्र में हुए। आपको याद भी हो गया होगा, कोई कठिन तो है नहीं है, ठीक है ना, और बहुत सरल है ये 9 भेद। अब इन 9 भेदों के बारे में अपन व्याख्या करते हैं और इनके अर्थों को भी समझते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सूत्र में छायिक के 9 भाव पढ़े, भेद पढ़े, और जो चा में शब्द अपन ने 2 जोड़े थे, और भी चा का बहुत बड़ा पेट है भैया। यदि आप उसको खुलासा करना चाहें तो और भी छायिक भाव बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना, तो आप उसमें जोड़ते जाइए। लेकिन मुख्यतः यहाँ जो 9 भाव पढ़े हुए हैं, भेद दिए हैं, उनको हमें समझना है। और उनकी जो एक एक बात है कि छायिक दान ज्ञान किसे कहते हैं, छायिक दर्शन, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक भोग, ये जो हैं ये वैसे शब्दों से हमें पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। हे पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। छह किसे कहते हैं? कर्मों के नाश होने को छह कहते हैं। कर्मों का नाश हो जाए, कर्म आत्मा से पृथक हो जाए। अपन 3 बात ध्यान रखिए जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कर्मों का बंध है, कर्मों का उदय और कर्मों का सत्ता से नाश हो जाना, उसका नाम छह है। उस कर्म का ना तो बंध हो अब आगामी काल में, और ना ही वर्तमान में उस कर्म का कोई उदय हो, ठीक है ना, और जो सत्ता में रखी हुई जो चीज है उसका भी क्या हो जाए, छह हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, छह शब्द कहला, वो छह कहलाता है। और उसी से जो जीव के भाव होते हैं उसे छायिक भाव कहते हैं। छह हो जाने के बाद जीव के जो भाव हुए उस भाव को छायिक भाव कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे प्रति समय बंद चल रहा है, तो हमने कोई भी एक कर्म लिया और उस कर्म का भैया अब बंद नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल अपन ने बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, अब उसका कोई बंद नहीं होना है। तो उदय भी नहीं होना है, अब उसका उदय भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा, जो सत्ता में रखी है उस प्रगति का क्या हो जाए, नाश हो जाए। तो बंध, उदय और सत्ता से नाश हो जाने का नाम छह कहलाता है। सत्ता नाश, सत्ता से नाश का अर्थ बोलते हैं सत्ता नाश। वैसे आप लोग लौकिक में बोलते हैं सत्यानाश, क्या बोलते हैं, ए भैया इसका तो सत्यानाश हो गया, मेरा तो सत्यानाश हो गया। वो सत्यानाश जो शब्द है सचमुच में बनता ही नहीं है, सत्य का अनाश। अब संधि करो, सत्य प्लस अनाश, नाश नहीं होना, तो वो तो ठीक है। लेकिन सत्यानाश, कोई सोचे कि सत्य बहुवचन करके उस सत्य का नाश, सत्य का नाश तो कभी होता ही नहीं है। मूल शब्द क्या है, सत्ता। जैसे आपके बैंक में पैसे रखे हैं वो सत्ता में हो गए, ठीक है ना, रुपया आ रहे हैं आपके पास और फिर आते जा रहे हैं, ये आपका ये उसमें आश्रय होके बंद हो गया, आपके हाथ में आ गया, वो बंद हो गया। और आप खर्च कर रहे हैं, ये क्या हो गया, उदय हो गया, और रखे रहे वो क्या हो गया, सत्ता हो गई। तो सत्ता का नाश मतलब कि वो बिल्कुल बैंक से भी निकाल दो, तुम्हारे पास कुछ ना बचे। ऐसे ही कर्म जो है उसका बंद भी हो गया, बंद और उदय भी बंद हो गया, और अब ना सत्ता में रखे उसका भी नाश हो गया, उसको बोलते हैं छय। और ऐसे जब छय हो जाता है तो आत्मा में बहुत विशुद्धि प्रकट होती है, निर्मलता प्रकट होती है, और जो वो भाव प्रकट होते हैं उसको बोलते हैं छायिक भाव। ये भाव परमानेंट भाव होते हैं, टेम्परेरी भाव नहीं होते हैं। औष्मिक भाव तो अंतर मुहूर्त के लिए हुए थे, लेकिन जो छायिक भाव होंगे वो कैसे होंगे, परमानेंट होंगे, क्योंकि
बिल्कुल अनंत काल तक के लिए वो भाव बने रहेंगे। अब वो भाव निर्मलता, वो विशुद्धि, वो तत्व का सिद्धांत, वो भेद ज्ञान, वेद विज्ञान वो बना रहेगा, ऐसा छायिक भाव में होता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर छायिक भाव, इस स्लाइड में देख रहे हैं आप, 9 प्रकार के भाव लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है छायिक सम्यक्त्व, और फिर दिया है छायिक चारित्र। चा से अपन ने जो 2 लिए थे उसको अपन ने आगे लिख दिया है मैंने, तो क्या लिखना है, छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र, फिर छायिक ज्ञान, फिर छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर। इस प्रकार से यहाँ पर ये 9 अपन को याद कर लेना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए इनकी अपन एक एक की परिभाषा देखते हैं। आगे स्लाइड में लिखा है ना छायिक सम्यक्त्व, क्या कहते हैं छायिक सम्यक्त्व को, मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां, कितनी प्रकृति, 7 प्रकृतियों के 6 से जो प्रकट होता है उसे छायिक सम्यक्त्व कहते हैं। छायिक सम्यक्त्व, सम्यक्त मतलब सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक्त्व दर्शन किसे कहते हैं। अब देखिए मिथ्यात्व कर्म जो है, सम्यक मिथ्यात्व कर्म जो है और सम्यक प्रगति है, इनका बंद नहीं होगा और ये उदय में भी नहीं आएंगी, और ये 6 को प्राप्त हो जाए, सत्ता से भी चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए कभी भी इनका अब उदय बंद नहीं होगा और सत्ता से नाश हो गई। और जो तीव्र कषाय थी, अनंत संसार का अनुबंध करने वाली, संसार से संबंध बनाने वाली जो प्रगति थी, वो अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कर्मों का भी, चारित्र मोहिनी की, इसका भी क्या हो गया, बंद बंद, उदय भी नहीं और सत्ता से नाश, तो क्या हो गया 6। इस प्रकार से 7 कर्म प्रगतियों के 6 से जो श्रद्धान नाम का पर्याय प्रकट होती है, और ऐसी श्रद्धान जो 3 लोक के जीव भी आकर के उसको विचलित करना चाहें, उसको मोक्ष मार्ग से हटाना चाहें, गुरुओं की के प्रति अश्रद्धा पैदा करना चाहें, भगवान के प्रति अश्रद्धा और तत्व के प्रति अश्रद्धा पैदा करना चाहें, तब भी उसकी श्रद्धा जो है नष्ट ना हो, ऐसा वह छायिक सम्यक्त को प्रकट हो जाता है। स्वप्ने में भी जिसके सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं लगता है, दोष नहीं लगते हैं किसी भी प्रकार का, उसके परिणामों में अनिर्मलता नहीं आती है, ऐसा जो सिद्धांत निर्मल प्रकट होता है उसे छायिक सम्यक्त्व कहते हैं। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है छायिक चारित्र, क्या लिखा है, छायिक चारित्र, समस्त मोहिनी कर्म के अभाव से। औपशमिक चारित्र में तो क्या हुआ था, जो 21 प्रगति कर्म की थी उसको तो दबा दबा करके वो ऊपर बढ़ा था, ठीक है ना। अब यहां दबा दबा के नहीं, नाश नाश करके, चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रगतियां हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन नौ कषाय, इनका क्रम क्रम से आगे अंतर अंतर मुहूर्त अंतर अंतर मुहूर्त में 6 करते जाए, नष्ट करते जाए। एक तो क्या व्यक्ति है, राजा को जीतता है और उसी को राज दे देता है, तो मेरे अधीन रहो, ये तो हो गया उपशम चारित्र वाला काम, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी ऐसा है नहीं, राजा को तो वो नाश ही कर दे रहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब वो ना राजा रहेगा ना वो कभी मुझ पर आक्रमण करेगा। उपशम चारित्र वाले में जिसको उसने राज दे दिया, वो दोबारा आक्रमण कर सकता है ना, उस पर हानि पहुंचा सकता है। लेकिन छायिक वाला वो उसका ही सत्ता से ही नाश कर रहा है, बोले तुम राजा ही नहीं हो, और उसको मरण कर देता है, ऐसे कर्म को बिल्कुल नाष्ट कर देता है छायिक चारित्र वाला। तो वो एक एक कर्म को 6 करते 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 और 10वें गुण स्थान के अंत में, अंतिम समय में, या 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में, ये दोनों क्या होते हैं, समस्त जो कर्म हैं वो पूर्णतः 6 को प्राप्त हो जाते हैं, और 12वें गुण स्थान में उसको क्षीण मोह अर्थात पूर्ण रूप से छायिक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। जो छायिक सम्यक तो है वो तो 4थे गुण स्थान से लेकर के अब सिद्धों तक बना रहेगा, लेकिन जो छायिक चारित्र है वो 12वें गुण स्थान में जाकर के पूर्णता को प्राप्त होता है। 7वें गुण स्थान के जो 37 स्थान से प्रारंभ होकर के 8वें 9वें 10वें में सब प्रारंभ स्थान है, प्रवेश स्थान है, और 12वें में जाके पूर्णता को प्रकट होता है, वो छायिक चारित्र कहलाता है।
तीसरे नंबर पर लिखा है छाये ज्ञान। छाये ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से, ज्ञानावरण एक नाम का कर्म है उसका पूरा क्षय हो जाए। वैसे तो जो केवल ज्ञानावरण कर्म है सर्वघाती है, जो संपूर्ण रूप से हमको प्रकट नहीं होने दे रहा था ज्ञान, वो कर्म नष्ट हो गया, उसका अब बंद भी नहीं, उदय भी नहीं और सत्ता में भी नहीं, उसका नाश हो जाने का नाम क्या है? छाये ज्ञान है। तो ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से अत्यंताभाव उसका हो जाए और उससे जो ज्ञान प्रकट होता है उससे केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? उसी केवल ज्ञान को केवल ज्ञान कहो या अनंत ज्ञान कहो या छाये ज्ञान कहो, ये किनको होता है? केवलियों को, तेरहवें गुण स्थान में, बारहवें के बाद तेरहवें गुण स्थान में, ठीक है। फिर दिया है छाये दर्शन दृष्टा, जो ज्ञान के प्रथम पहले जो सब सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं, लेकिन केवलियों के ज्ञान के साथ साथ जो प्रथम वो दर्शन होता है उसे छायिक दर्शन कहते हैं। दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय से जो प्रकट होता है वो केवल दर्शन प्रकट होता है। केवल दर्शन कहो, छायिक दर्शन कहो या अनंत दर्शन कहो, बात एक ही है। तो इस प्रकार से वो छायिक दर्शन प्रकट होता है। फिर क्या दिया है? छायिक दान दान। अब अंतराय कर्म कौन सा कर्म लगाना है? देखो मोहिनी कर्म तो चला गया, ज्ञानावरणी कर्म भी चला गया, दर्शनावरणी कर्म भी चला गया, अब एक ही कर्म बचा, कौन सा? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म में जो पांच भेद हैं, जो लाभ भोगो भोग वीर दान, दान लाभ भोगो भोग वीर, ये पांच भेद हैं, उन्हीं का ही क्या होगा? क्रम से छह होगा तो वो पंच लब्धियां प्रकट होंगी। पांच लब्धियां देखिए, छायिक दान में दानांतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने से जो दिव्य ध्वनि आदि द्वारा अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला छायिक दान प्रकट होता है, ठीक है ना। जो तीर्थंकर हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, आपको प्रवचन सुनने को मिलता है, उनकी वाणी सुनने को मिलता है, तो वो छायिक दान का प्रभाव है। उनके आत्मा में जो छायिक दान प्रकट हुआ है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको दिखाई देती है। आचार्यों ने कोशिश की है कि हम छायिक दान आपको कैसे दिखाएं, वैसे तो ये आत्मा का विषय है, ठीक है ना, स्वयं ही अपने अनंत ज्ञान दर्शन का अपने में ही दान करना, अपने में सुख का अपने सुख में दान करना, अपनी शक्ति का अपने शक्ति में ही दान करना, ये निश्चय से छायिक दान है। लेकिन व्यवहार में समझाने के लिए कि भैया उनको छायिक दान प्रकट हुआ तो क्या दान कर रहे हैं, तो क्या दे सकते हैं तीर्थंकर या अरहंत केवली, तो वो दे सकते हैं ज्ञान। तो वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, भाषा वर्गणा के माध्यम से हमको जो ज्ञान देते हैं, अनंत प्राणियों का जो उपकार करते हैं, यही ज्ञान दान ही उनका छायिक दान कहलाता है। ये व्यवहार की परिभाषा है, हम इसे थोड़ा विशेष बाद में समझेंगे। अब देखिए लिखा है ऊपर छायिक लाभ, क्या लिखा है? छायिक लाभ। लाभ में क्या है? लाभांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से केवली भगवान के शरीर का बिना भोजन आदि ग्रहण किए शरीर का बना रहना, उनके परमाणु बिल्कुल वैसे आना और शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना, ज्यों की त्यों शरीर बना रहना, ये छायिक लाभ है। वो खाते नहीं है, पीते नहीं है और फिर भी उनका शरीर वैसा का वैसा बना रहे, ये छायिक लाभ है। छायिक भोग में क्या है? भोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से सुगंधित पवन का, हवा का बहना, पुष्प वृष्टि आदि का होना, ये क्या है? छायिक भोग है। पुष्प वृष्टि आदि उनके प्रति समय जो गिरती है, ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो उसका भोग कर रहे हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु, अरे भगवान के ऊपर जो पुष्प गिरते हैं वो असली होते हैं या नकली होते हैं? भोगांतराय कर्म के क्षय होने से छायिक भोग अरहंत भगवान को प्रकट होता है, जिसके कारण वहाँ पर मंद मंद सुगंधित वायु की बहना, गंधोदक की वृष्टि होना और साथ में पुष्पों की वृष्टि होना। भाई जो पुष्प होते हैं वो देवलोक कभी नकली काम नहीं करते हैं, पूर्णतः असली काम ही होता है।
वो मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात की जाति के जो वृक्ष वो जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों की वहाँ पर वर्षा होती है, और वो पुष्प जो होते हैं वो असली होते हैं, ठीक है ना। भगवान के समुष्ण में भी कोई नकली काम होगा क्या? जैसे आप लोग पीले चावल को वो चंदन से पीले कर लिए और पुष्प बना लिए, वो तो आपका आपका नकली काम है, भाव निक्षेप से आपका सही द्रव्य नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो अरहंत की जो पुष्प वृष्टि होती है वो असली होती है, जो फूल होते हैं ना वो असली होते हैं, जो आप लोग देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भगवान का कहीं कहीं अभिषेक होता है तो उसमें पुष्प वृष्टि करते हैं, पुष्प वृष्टियाँ होती है, वो उसी का ही प्रतीक है अरहंत भगवान के, क्योंकि 8 प्रातिहार होते हैं, तो 8 प्रातिहार में एक प्रातिहार पुष्प वृष्टि भी है। तो 7 जो प्रातिहार हैं वो उपभोग में चले जाते हैं और एक जो है वो भोग में जाता है, क्योंकि पुष्प को एक बार ही भोग सकते हैं, दोबारा नहीं भोग सकते हैं। नीचे गिरा और 6 को प्राप्त हो गया, उसे दोबारा यूज तो करते नहीं हैं। ऐसी गंधोदक की वृष्टा और जो पवन सुगंधित पवन का बहना, ये भोग है, एक बार में होता है। उपभोग क्या है? जैसे छत्र है, सिंहासन है, ये चमर है, ये क्या है? उपभोग, बार बार भोगने में जो आते हैं वो भी उनका उपभोग अंतराय कर्म का 6 होने से वो भी प्रकट होते हैं, छायक उपभोग कहते हैं। इस प्रकार से भगवान को पुष्प वृष्टि होती है, कहीं जयमाल भी चढ़ाते हैं, पुष्प की माला भी चढ़ाते हैं, ये सब उसी का ही प्रतीक है, जो अनुचित नहीं है उचित ही है, इसे आप लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि वो छायिक भोग का प्रतीक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? छायिक भोग का प्रतीक है कि देखो अरहंत भगवान के कैसे छायिक भोग प्रकट होता है, वो यहाँ पर प्रतीक स्वरूप में उन्हें पुष्प वृष्टि करके 8 प्रातिहार में से एक प्रातिहार का वह वर्णन उसमें दिखाया है। वैसे तो वो अनंत ज्ञान का भोग कर रहे हैं, निश्चय से तो क्या कर रहे हैं, वो अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत शक्ति का प्रति समय भोग करते हैं। वो ये बाहरी भोग तो आचार्यों ने सिर्फ हमें ज्ञान कराने के लिए ऐसी व्याख्या उन्होंने यहाँ पर की है। इस प्रकार से अपन यहाँ पर अभी छायिक भोग और छायिक वीर जो रह गया था, एक वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत 6 से छायिक शक्ति प्रकट होती है, अनंत शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार से छायिक भाव 9 प्रकार के भेद अपन ने पढ़े, और भी विशेष रूप से इसे अपन कल देखेंगे। आज इतना ही। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन्देन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारु जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी श्री सुखमाल चंद जैन चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिंपल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हादविक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।